हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। रूहानी डायरी भाग दो, अध्याय 24, दोरा कालू की बड़। 31 जुलाई की सुबह को एक शादी का कार्य संपूर्ण करके दिन के 9 बजे कार में रवाना होकर सीधे जालंधर आई। वहां 4-5 मिनट संगत को कार में ही दर्शन देकर छावनी के रास्ते माणको आदि की संगतों को दर्शन देते हुए होशियारपुर प्रोफेसर पुरी की कोठी पर आए। वहां आकर पता लगा कि मेला माता चिंतपूर्णी के कारण लोगों को लारी में जगह नहीं मिल रही, बहुत से लोग पैदल जा रहे हैं। बहुत से छकड़ों पर हमारे नौकर भी वहाँ बेबस बैठे थे। उनका वहाँ कालू की बड़ में पहुँचना हमारे आराम के लिए बहुत आवश्यक था, इसलिए शर्मा व प्रोफेसर साहब को ताकीद करके 12 बजे के करीब होशियारपुर से रवाना हो पड़े। गगरेट और इसके इधर दो एक जगह संगत जमा थी, उनको एक एक दो दो मिनट देकर सवा पर पहुँचे तो 5-6 जगह पानी को पार करना पड़ा। उसको पार करके परमात्मा का शुक्र किया और पहाड़ की चढ़ाई शुरू हुई। बरसात के मौसम में सब जगह हरियाली ही हरियाली नज़र आती थी। मेले के कारण स्थान स्थान पर हलवाइयों की दुकानें खुली हुई थी और यात्री पैदल घोड़ों पर छकड़ों वैलारियों पर जा रहे थे। कई छकड़ों पर माता का लाल झंडा लगा था। कई भक्तों ने हाथों में ऊंचे ऊंचे लाल झंडे उठाए हुए थे। जगह जगह पहाड़ी लड़के लड़कियां भक्तों से पैसे मांग रहे थे। आखिरकार माता भवन के पास पहुँचे तो डॉक्टर लोग और पुलिस वालों ने घेरा, परंतु हमको जाने दिया। बाकी सब लोगों को हैजे का टीका बड़ी मोटी सुई से, जिसको सुआ कहना चाहिए, लगाते थे, उससे बुखार हो जाता। वहाँ से चलकर बारिश के कारण चंबे की दुकानों से इधर कीचड़ में कार धंस गई, क्लच गर्म हो गया, बहुत देर लग गई। सवारियों को 1-1.5 मील पैदल चलना पड़ा। चंबी के बाजार में कार ने हमको आ पकड़ा और हम सवार होकर कालू की बड़ में आ गए। यहाँ इस बार बहुत से लोग अमृतसर, लाहौर व डेरे आदि जगहों से आए हैं। जहाँ तंग है, मौसम बरसात का है, हमारे नौकर रात के 12 बजे आ पहुँचे। 1 अगस्त को जन्मदिन मनाया गया। सारा दिन बैंड बजता रहा और बारिश होती रही। दोपहर के बाद जरा मौसम खुला तो शाम के 4 बजे सत्संग शुरू हुआ। राधा स्वामी धरानर रूप जगत में और तेरियां खाणी तेरियां बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से लिए गए। संगत इस कदर थी कि सारे पहाड़ का ऊपर का मैदान लोगों से खचाखच भरा पड़ा था। मेहता साहिब रावलपिंडी वाले ने कई फोटो लिए। हुजूर ने पहाड़ी पर से सत्संग सुनाया। संगत नीचे बैठी थी, जैसे कि हजरत ईसा ने पहाड़ी पर से सरमन ऑन द माउंट दिया था। सत्संग के बाद कवि दरबार लगा। 4-5 लोगों ने अपनी अपनी कविता पढ़ी। एक ने आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना के वजन पर कविता पढ़ी। दरबारी दास ने डेरा बाबा जयमल सिंह के सत्संग हाल व सत्संग की महिमा में नज़म पढ़ी। गुजारा हो तो ऐसा हो, नज़ारा हो तो ऐसा हो। 2 अगस्त की सुबह को काफ़ी बरसात और सर्दी थी। सर्द हवा काफ़ी चल रही थी और सर्द हवा से अंदर कमरों में बिस्तरे और कपड़े सीले हो रहे थे। दोपहर के बाद सूरज निकला और ठंडक दूर हुई। आजकल कालू की बड़ में केला व आम बिकने आ रहे हैं। आम रुपया सेर तक महंगा हो गया है।
मगर है अच्छा और हलवाई भी खूब पकोड़े और गुड़ की मिठाइयाँ बना रहे हैं। हुजूर सारा दिन अपनी कोठी के आगे सड़क की खुदवाई में लगे रहते हैं, यानी एक सड़क हलवाइयों की दुकानों से अपनी कोठी तक निकलवा रहे हैं जिस पर से मोटर कार गुजर सके। 4 अगस्त की रात को हुजूर महाराज जी ने अफीम छोड़ने का जिक्र करते हुए फरमाया कि जब उनके पिताजी पलटन में सूबेदार थे तो हुक्म आया कि जो सिपाही अफीम खाता हो उसकी रिपोर्ट करो, उसका नाम खारिज कर दिया जाएगा। एक सिपाही बसंत सिंह को अफीम खाने की आदत थी। पिताजी ने कहा कि बसंत सिंह अब क्या होगा, तो उसने कहा कि जब नौकरी से निकालेंगे तो जो तनख्वाह देंगे उससे अफीम खाता रहूँगा, जब पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो मर जाऊँगा। पिताजी उसको कमांड अफसर के पास ले गए और अर्ज की कि 2 माह की मोहलत बसंत सिंह को दी जाए, अगर उसके बाद वह अफीम ना छोड़े तो उसका नाम खारिज किया जाए। चुनांचे कमांड अफसर ने मान लिया। पिताजी ने अफीम की डिबिया बसंत सिंह से ले ली और बोले, जब अफीम खानी हो तो मुझसे लेकर खा लिया करना। उन्होंने ऐसी गोलियां बना ली कि हर रोज़ 1 रत्ती भर अफीम को कम कर दिया। चुनांचे 1 महीने के अंदर अफीम छूट गई, उसकी नौकरी बनी रही और वह बहुत उम्र तक राजी खुशी जीता रहा। फिर फरमाया कि मेरे पिताजी को साधुओं से मिलने का बड़ा शौक था, जब वे उनके दर्शनों को जाते मुझे भी साथ ले जाते। चुनांचे उनके देहांत के बाद मुझे भी यही शौक रहा। फिर फरमाया कि मालवा में लोग पोस्त बोया करते थे और पोस्त पिया करते थे। हमारा गांव और नारंगवाल गुजरवाल में से निकलकर आबाद हुए, मगर रायपुर के लोगों को पोस्त पीने की आदत थी। वे पोस्त मलकर छिलके खाद के ढेर पर फेंक देते थे। वहाँ हर रोज़ एक कुम्हार के गधे आकर उन छिलकों को खा जाते। एक बार वह कुम्हार अपने गधे लादकर गांव से बाहर गया। गधों को पोस्त के छिलके खाने का मौका ना मिला। जब उनको आदत के विरुद्ध नशे की टूट लगी तो सबके सब लेट गए और मार खाने पर भी चलने से इनकार कर दिया। इस पर यह कहावत मशहूर हो गई कि रायपुर के गधे भी अमली हैं। गुजरांवाला के जिले से एक सत्संगी ने पत्र लिखकर विनती की कि अभी तक सारा शरीर सुन रह नहीं होता, सिर्फ रोशनी दिखाई देती है और आपका स्वरूप जो आता है वह छुप जाता है। जवाब दिया गया कि तुम ज़्यादातर सुमिरन पर जोर दो, अगर 2 घंटे रोज़ भजन को देते हो तो उसमें से 1.5 घंटा सुमिरन को दो और 1/2 घंटा शब्द को सुनो। चलते फिरते काम करते बिना होठ हिलाए सुमिरन करते रहो, सोते समय भी सुमिरन करो। जब शरीर सुन हो जाएगा और आत्मा ऊपर को जाएगी तो अंतर में स्वरूप आ जाएगा। असली स्वरूप तो तारामंडल सूरज और चांद को पार करके आएगा। जब तक आत्मा अंदर ना जाए बाहर से सतगुरु के स्वरूप का ध्यान मानसिक कल्पना ही है। यह जो स्वरूप तुमको दिखाई देता है यह मन का कल्पित है, यह भी अच्छा है। एक सत्संगी को नाम लिए लगभग 1 महीना हुआ। वह लिखता है कि जब से नाम लिया है उस वक्त से आपके हुक्म अनुसार सुमिरन और ध्यान के लिए बैठता हूँ। चलता फिरता उठता बैठता सुमिरन करता रहता हूँ। बाकी जो आपने ध्यान के बारे में बतलाया है जिस ढंग से आपने कहा है मैं बैठ नहीं सकता, लेकिन यह बात जरूर है कि कान बंद करते ही घंटों की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ ऐसी होती है जैसे मंदिर में आरती करते वक्त जोर से घंटे बजाते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो सीधी तरह चौकड़ी मारकर बैठकर ध्यान कर लूं, क्योंकि पाँव के बल मुझसे बैठा नहीं जाता। जवाब दिया गया कि जो घंटे की आवाज़ आती है वह मुबारक है, मगर यह आवाज़ें आपको खींच नहीं सकती।
क्योंकि मन और आत्मा सारे बदन के रोम रोम में रचे हुए हैं। उनको रोम रोम में से निकालने का साधन सुमिरन है। तुम चौकड़ी मारकर हर रोज 1.5-2 घंटे सुमिरन करो। पहले पहल मन घबराता है क्योंकि यह कैद होना पसंद नहीं करता। जब प्रेम प्यार से सुमिरन करते रहोगे तो मन अंदर काम करने लगेगा और शांति तथा खुशी आ जाएगी। आत्मा सिमटने लगेगी। जब आँखों के ऊपर जावेगी तो रोशनी, तारामंडल, सूरज और चांद नजर आवेंगे। उनसे परे सतगुरु का स्वरूप आवेगा तो घंटे की आवाज़ तुमको खींचने लगेगी। यह स्वरूप हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुमसे बातें करेगा। 10 अगस्त कालू की बड़ में सुबह तड़के 2 बजे से बारिश शुरू है और दोपहर के 12 बजे तक बरस रही है। अभी तक काले बादल छाए हुए हैं। रात के खाना खाने के बाद हुजूर ने फरमाया कि सतगुरु और सेवक में जो प्यार होता है उसका नमूना दुनिया में नहीं है। हुजूर बाबा जी महाराज की ज़िंदगी में जब मैं डेरे में आता था तो वे हमेशा मुझे अपने कमरे में जगह देते। एक बार वे शौच आदि के लिए बाहर तशरीफ़ ले गए और मैं भजन में बैठ गया। जब वापस आए तो हंस पड़े, बोले, क्या पिद्दी का शोरबा, तुम क्या भजन करोगे, तुमको किया किराया मिलेगा। फिर एक बार मैं कोहमरी से जेठ आषाढ़ के महीने में डेरे आया। जब गाड़ी से ब्यास स्टेशन पर उतरा तो सख्त धूप थी और मैं ठंडे पहाड़ से आ रहा था। 4-5 मिनट रेलवे स्टेशन पर आराम करने के बाद मन ने कहा कि चलो देखो कि सोहनी एक आदमी के इश्क में कच्चे घड़े पर दरिया पार करने से ना डरी। तुम तो सतगुरु के दर्शन करने जा रहे हो, तो उन दिनों कोई सवारी नहीं होती थी, इसलिए जब पैदल काने की पहुंचा तो वहां कुछ ज़मींदार बैठे थे। कहने लगे, भाई इतनी तेज़ धूप है, अभी ना जाओ। मगर मैंने केवल 3-4 मिनट पाँव ठंडे होने तक इंतज़ार किया क्योंकि बूटों में पाँव गर्म हो गए थे और चल पड़ा। उधर बाबा जी महाराज जो कभी धूप में बाहर ना निकला करते थे धूप में फिरने लगे। बीबी रुको, उनकी सेवादार ने बहुत कहा कि महाराज धूप तेज है, अंदर आ जाइए, मगर वे कोई ना कोई बहाना करके धूप में घूमते रहे, मानो मेरी धूप को अपने सिर पर ले लिया। जब मैं डेरे से 200 कदम पर रह गया तो आप अपने अंदर के कमरे में जाकर भजन में बैठ गए और किवाड़ बंद कर लिए। आधे घंटे के बाद बाहर निकले और फरमाया, काका हटना किया करो। फिर बताया कि उस समय 1895 ईस्वी से पहले डेरे में कोई कुआं ना था। पानी दरिया से या दूर कुएं से लाया जाता था। ना कोई मकान था, सिर्फ बाबा जी की कोठरी और कच्ची गुफा हुआ करती थी। जब भंडाल आदि मांझे से संगत आती तो उनको तकलीफ होती। कच्ची गुफा में ज़्यादा आदमी नहीं समा सकते थे। अमृतसर से कुछ सत्संगियों ने कई बार कुआं व कोठरियां बनाने को कहा, मगर बाबा जी राजी ना हुए। सत्संगियों ने मुझसे कहा कि तुम्हारा कहना मान लेंगे, तुम कहो। मैंने प्रार्थना की तो बाबा जी ने कुएं की मंजूरी दे दी। चुनांचे कुआं तैयार किया गया। 1 लाख ईंट भट्टे से तैयार की गई। बाकी ईंटों से छोटा सत्संग घर बनाया गया। फिर वे कोठड़ियाँ जब 2 मंजिला हैं बनाई। जब इमारत बन रही थी तो बाबा जी महाराज फरमाने लगे, बाबू तू हमको करजाई करके मारेगा। उन दिनों वडाइच में दरिया ब्यास गांव को बहा रहा था। लोगों ने मुझसे कहा कि क्यों रुपया इमारतों पर नष्ट करते हो, किसी दिन दरिया आवेगा और सबको बहा कर ले जाएगा। मैंने कहा, अगर इमारतें बनकर सतगुरु इनमें एक बार भी बैठ जावे तो मेरी मेहनत और मेरा खर्च सब सफल हो गया।
फिर अगर दरिया उनको बहा ले जावे तो मुझे अफसोस नहीं। फिर फरमाया कि मैंने एक डोली यानी झांपन हुजूर बाबा जी के लिए जब वे मरी पहाड़ पर तशरीफ ले गए बनवाई थी और वहाँ से डेरे भेज दी। हुजूर बाबा जी ने वही चाचा जी महाराज की सेवा में आगरा भेज दी। चाचा जी महाराज उसको इस्तेमाल करते रहे। अब तक वह डोली स्वामी बाग में होगी। फिर फरमाया कि हुजूर बाबा जी तो केवल भजन के लिए पैदा हुए थे, बचपन से ही भजन करने लग गए और भजन में ही सारी आयु व्यतीत की। फरमाया करते थे कि हमारी कमाई के जौहर बाद में खुलेंगे, जैसा कि अप्रकट हो रहा है, अमेरिका, बम्बई, कराची, पहाड़ आदि सब जगह सत्संग फैल गया है। 11 अगस्त इतवार को भी बारिश 12-1 बजे दोपहर तक होती रही। हुजूर चबूतरे पर मलबा डलवाते रहे। हुजूर ने फरमाया कि सेवा सौभाग्य से मिलती है और कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो 100 रुपया सेवा में लगाता है स्वामी जी उसे 1000 देते हैं। जब मैंने नाम नहीं लिया था तो मैं सारी कमाई अपनी माता जी के आगे लाकर रखा करता था, कभी अपनी औरत को नहीं दी। अगर औरत मांगती तो कहता माता जी से ले लो। जब नाम ले लिया तो घर वालों से कह दिया कि अब गुरु का अधिकार पहले है। जो मेरी तनख्वाह से मेरे खर्च के बाद बचता बाबा जी के सामने ला रखता, वे जो मुनासिब समझते घर वालों को दे देते और बाकी साध संगत की सेवा में खर्च कर देते। चुनांचे डेरे में कुआं, सत्संग हाल, छोटा सत्संग घर, कोठड़ियाँ, रसोई नीचे की सब बाबा जी ने मेरी सेवा में से बनवाई। अब देखो कि उसके बदले में लाखों रुपया सालाना की आमदनी मेरे लड़कों की है। फिर हंसते हुए कहा कि एक जुलाहा किसी जमींदार की फसल काटने पर मजदूरी को गया। जब शाम को फसल काटते काटते थक गया तो जमींदार ने उससे कहा, ओ छोकरे, सूरज के नीचे हलगा दे दे। इस पर जुलाहा बोला, घबराया और बोला, बाबा मुझे छुट्टी दो, मैं मजदूरी नहीं लेता, मुझे जाने दो। फिर पटवारी जी को कहा, मैंने सब काम जमीनों का तुम्हारे सुपुर्द कर रखा है। कहावत है कि एक बार रात को एक गाड़ीवान सो गया तो चोरों ने बैल तो उतार लिए और आप गाड़ी को खींचने लग गए ताकि कुछ दूर जाकर गाड़ी छोड़कर भाग जावें। जो सवारियां अंदर बैठी थी उनको गाड़ी की रफ्तार में अंतर का पता चला। वे गाड़ीवान से बोले कि अरे क्या हुआ? तो गाड़ीवान ने जवाब दिया कि गाड़ी को दाढ़ी वाले खींच रहे हैं, अब क्या वह गाड़ी को बीच में छोड़कर चले जाएंगे। इस पर चोरों को शर्म आई और उन्होंने बैल जोत दिए। 14 अगस्त 1946 एक सत्संगी के सवाल के जवाब में हुजूर ने फरमाया कि पहले सुमिरन को 3/4 वक्त दो, उस वक्त शब्द ना सुनो, ध्यान दोनों आँखों के बीच में रखो, फिर पाँव के बल बैठ कर शब्द सुनो, सुमिरन का ख्याल छोड़ दो मगर ध्यान को आँखों के बीच में जमाए रखो, कान के पास शब्द सुनने ना जाओ बल्कि जैसा शब्द आवे वैसा ही आँखों में तवज्जो कायम रखते हुए सुनते रहो। अमेरिका की एक स्त्री ने लिखा कि मुझे शब्द बड़ी जोर से आता है और शब्द से ही मेरी कमर सीधी हो जाती है और गर्दन तन जाती है, जिससे कि मेरा मुंह आसमान की तरफ हो जाता है। इसमें कोई तकलीफ महसूस नहीं होती मगर कोई तरक्की नहीं होती, सिर्फ रोशनी दिखाई देती है। हुजूर ने जवाब दिया कि सुमिरन की कमी है, शब्द रूह को खींच नहीं सकता क्योंकि रूह शरीर में फैली हुई है, उसको सुमिरन के जरिए इकट्ठा करो तो शब्द खींच कर ऊपर ले जाएगा। 16 अगस्त की सुबह 8 बजे हुजूर को कालू की बड़ से होशियारपुर को रवाना होना था मगर तड़के ही बड़ी ज़ोर से बारिश शुरू हो गई। जब सुबह बिस्तरों पर से उठे तो बादलों का सख्त अंधेरा था
और बूंदाबांदी हो रही थी। सबको सबका यह ख्याल था कि अब हुजूर अपनी रवानगी स्थगित फरमावेंगे, मगर हुजूर अपनी धुन के पक्के थे। उनका पक्का इरादा देखकर मैंने भी बिस्तर बोरियां बांधना शुरू कर दिया। सुबह के 7 बजे बारिश बंद हो गई, मगर बादल थे। हुजूर घोड़ी पर और हम दोनों खच्चरों पर सवार होकर असबाब कुलियों के हवाले करके चिंतपूर्णी को चल पड़े। सड़क में जगह जगह मलबा गिरा पड़ा था। सराय के पास तो सारी सड़क नीचे बह गई थी और सिर्फ पैदल का रास्ता था। हम घोड़ों से उतरे और सराय से परे फिर सवार हो गए। आगे जाकर चिंतपूर्णी से परे मंदिर के पीछे सड़क गिरी हुई थी, जहाँ की बहुत बड़ी पत्थरों की दीवारें बनेंगी। वहाँ भी सवारियों से उतरकर पैदल हो लिए, फिर परे जाकर सवार हो गए। सूरज भी तेज निकला, कभी बूंदे भी पड़ जाती थी। गरजे कि 9-10 बजे के बीच भरवाई डाक बंगला में जा उतरे। मौसम अच्छा था, हवा ठंडी थी। 16 अगस्त की दोपहर को 3 बजे हुजूर ने गगरेट वालों को सत्संग देना तय किया हुआ था। होशियारपुर में 12 बजे कार आ गई और उस पर सामान लाद सवा के किनारे पहुँचे तो सवा भी चढ़ी हुई थी और हमारे किराए की कार का इंजन सिर्फ 12 हॉर्स पावर का था। इतने में बहुत से लोग आ गए। कार के आगे मजबूत रस्सा बांधकर कुछ तो आगे से खींचने लगे और कुछ पीछे से धकेलने लगे। 1 मील से ज़्यादा इसी तरह खींचते ले गए। पानी कार के अंदर आ गया। कहीं खुश्की आ जाती थी, कहीं नाला। दाएं हाथ को झांगी थी, उससे परे मैदान में सत्संग का इंतजाम था। हजारों लोग जमा थे। मेरा ख्याल था कि हुजूर 3 बजे सत्संग करेंगे, मगर हुजूर ने जाते ही सिर्फ 5 मिनट आराम करके सत्संग शुरू कर दिया। मैं और शादी रोटियां खाने लगे जो कि साथ लाए थे, मगर हुजूर खाना खाकर सत्संग नहीं करते। सत्संग के बाद सिर्फ दूध पीकर होशियारपुर की तरफ चल दिए। रास्ते में भी 1-2 जगह सत्संगियों को दर्शन दिए। आखिरकार 6 बजे शाम होशियारपुर प्रोफेसर पुरी की कोठी पर आ पहुँचे। वहाँ लोगों से मिलकर सब ने स्नान आदि किया। शाम को मिस्टर खन्ना डीसी को मिलने चले गए। सड़क की बाबत बातें होती रही। दूसरे दिन सुबह कुछ अफसर लोग आए, उनसे रूहानी मामलों पर बातचीत करते रहे। क्योंकि कुछ अफसर मुसलमान थे, उनको मौलाना रूम की मसनवी और शम्स तबरेज से कुछ सुनाते रहे। 12 बजे डेरे आ गए। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा। जय गुरुदेव।